गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू डाटू 47 में आपका स्वागत है और मैं सोलंकी आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूँ आपके आज के सेशन में। तो भाई सारे बच्चे फटाफट सेशन को भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वो सारे बच्चे सेशन को भाई लाइक और शेयर कर देंगे। तो बेटा आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। सारे बच्चे भरसा जुड़ जाएंगे फटाफट से जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। गुड आफ्टरनून सेवा खातून सुबीना जी निधिश सचान सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भाई सबसे पहले हम देखें यहाँ पर हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो भाई शालिनी तिवारी जी हेलो एवरीवन। तो पहला क्वेश्चन आपका सर यहाँ पे आता है भाई एक चीज़ है। क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटा सा आपको बात बताना चाहेंगे भाई कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है और पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली बढ़नी पड़ती हैं उड़ानें बार बार, बढ़नी पड़ती हैं उड़ानें बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो भाई साहब डे बाई डे आपको अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे, उनको अचीव करना होगा, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा बच्चा, तब जाकर चीज़ें मिलती हैं। तो सेशन को भाई फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कर दो। मीनाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ, मनीषा जुड़ चुकी हैं, सारे बच्चे सेशन को भाई शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे। और ये रहा आपका यहाँ पर क्वेश्चन हमारा। अब देखो यहाँ पर राजस्थान रीट का, सी टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, सारे के सारे बच्चे हमारे लाइनअप पर हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई Y184 कोड यूज़ कर लीजिएगा। जो बच्चे भी Y184 कोड यूज़ करेंगे उनको क्या मिलेगा भाई, आपका 70% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप अड्डा 24/7 का जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अगर आप करते हैं इसको परचेस करते हैं तो आपको 79 मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास टीचिंग महापैक है तो सर आपको इसमें से कोई कोर्स परचेज नहीं करना, उसी में से आपको सारा कुछ अवेलेबल है। तो जिन बच्चों ने महापैक नहीं लिया है तो वो महापैक को भी ले सकते हैं सर, वो महापैक आपके लिए एडवांस होगा भाई। ठीक है सर, तो भाई सेशन को जल्दी से फटाफट से शेयर करते हैं भाई सारे बच्चे। अब सर ये है पहला क्वेश्चन, प्लेग क्या है सर आपका, द प्लेग इज पहला क्वेश्चन है सर आपके सामने। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि भाई राइट आंसर क्या बनेगा आपका। ऑप्शन ए है आपका, बी है, या फिर सी है, या फिर डी। तो भाई विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, या विषाणु यानी कि बैक्टीरियल डिसीज है, या फिर मिनरल बोन डिसीज है, क्या आंसर बनेगा आपका, ए होगा, बी होगा, या फिर सी बनेगा। यस या सो कोर सुपर टेट का लिए भी हैं, वेरी गुड सालनी, अच्छी बात है बेटा, अगर ले लिए अच्छी बात है, नहीं लिए मैं उनके लिए कह रहा हूँ। देखो टीचिंग महापैक में सब कुछ इंक्लूड है, बुक्स हैं, लाइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। लेकिन सर अगर आप लोग स्पेसिफिक बैच को भी लेते हैं तो उनके लिए इंडिविजुअल बैच भी इंक्लूड है। ठीक है, तो भाई सेशन को लाइव आपका जो है शेयर कर दो आप। ठीक है, जो बच्चे भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर। देखो प्लेग बीमारी जो है सर आपने देखा होगा ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, और अभी भी कुछ दिनों बाद देखा होगा कोरोना के बाद भी ये चीन में आया था एक बीमारी ये। ठीक है, कैसे आई थी बताऊंगा मैं आपको। ये पूछा गया है सिंपल यहाँ पर, ये वायरस से होने वाली डिसीज़ है, या ये फंगल डिसीज़ है, या फिर बैक्टीरियल है ये। तो भाई ये कैसी बीमारी है आपकी, बैक्टीरियल बीमारी है, यानी कि जीवाणुओं से होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो यहाँ पे देखें सर हम लोग लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, प्लेग इज द बैक्टीरियल डिसीज और या एक संक्रमण इन्फेक्शन रोग है। ठीक है, जो पोस्ट यूरेला पेप्टिक्स आपके नामक जीवाणु के कारण फैलता है, ये नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, इससे मानव के फेफड़ों को इफेक्ट किया जाता है। ठीक है, और चूहों के द्वारा प्लेग जो रोग है वो फैलता है, चूहों को इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है कि भाई ये किसके द्वारा फैला जाता है। तो जो कैरियर हैं आपके वो कौन है, रैट होते हैं, चूहे होते हैं, जिनका एक और नाम है ब्लैक डेथ या फिर टाउन पेस्ट, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है सर, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ा ही भयानक बीमारी होती है सर, और आदमी को ये जो है रोग प्रत्यक्ष ससंग या पिशुदंश से लगता है, मतलब ये तीव्र गति से फैलता है और कभी कभी ये निमोनिया का भी रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किससे रिगार्डिंग है सर आपके, प्लेग नाम की बीमारी से हैं। ठीक है,
वायरल डिसीज नहीं है बेटा, ये बैक्टीरियल डिसीज है। सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। मंजू यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, जेवा खातून है, प्रतिभा है, विवा कुमारी, सारे बच्चे देखो भाई जब आंसर दे रहे हो आप लोग तो ऐसे दीजिए कि हाँ ये है कॉन्फिडेंस हमारा, भले ही वो गलत हो, डजेंट मैटर। देखो ध्यान रखना, गलत होना गलत नहीं है, कुछ भी ना करना वो सबसे बड़ी गलत है। आप लोग सर सपोज करिएगा अपनी लाइफ में, जैसे होता है ना कि भाई कई बार बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं डर लगता है उनको, जैसे स्विमिंग की बात करूँ छोटी सी एग्जाम्पल की, मैं स्विमिंग करना बहुत से लोगों को सर नहीं हो पाती है, लेकिन आप अगर स्विमिंग के पास जाते हो, उसमें कोशिश करते हैं, तैरते हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक आप लोग क्या करते हो उसमें, वो आपको तैरना आ जाता है। लेकिन सर आप स्विमिंग पूल के पास आप जाके खड़े हो जाओ और आप कहो कि सर मुझे तैरना तो आएगा ही नहीं, मैं सीख नहीं सकता, मैं सीख नहीं पाऊंगा, तो क्या आप कभी भी स्विमिंग सीख पाएंगे ना, कभी नहीं सीख पाएंगे सर। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जो वर्ड है बिल्कुल फैक्ट है सर। जब तक कोशिश ही नहीं करेंगे आप, तो आप कैसे उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर चीन में कोरोना के बाद अब आपका ब्यूबोनिक प्लेग जो है ये आपका है, और इसे काली मौत भी कहते हैं सर। तो ये एक संक्रामक, ठीक है, वायरल कह सकते हो आप, यहाँ पर वायरल बनेगा आपका, ये आपका बीमारी है जो आपका येरसीनिया पोस्टिस यानी पेप्टिस नाम की बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। और ये जो बीमारी है, ठीक है, ये शरीर चूहे के शरीर पर चिपके हुए परजीवी पिस्सू में पाया जाता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है आपका, जो आपके लिम्फ जो नोड होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, बुखार आ जाता है, कंपकपी होती है, थकान फील होती है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, ये कुछ इसके क्या है सर आपके लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं सर। तो भाई डेली क्लास हमारी कितने बजे होती है, 1 बजे होती है। आपको Y184 का कोड यूज़ करते हैं तो डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको, 77% का डिस्काउंट मिलेगा सर। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि 77% डिस्काउंट है आपका, ठीक है। और भाई ये आपका जो है रोग है, गलत तो सीखते हैं, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है वो ऑलवेज के लिए लर्न हो जाता है। क्या बात है निधि सचान, यार निधि सचान आई डोंट नो यू, बट मैं आपसे रियली में बहुत इंप्रेस्ड हूँ, बिकॉज आप मेरे को बहुत ही अच्छे आंसर देते हो, आपके आंसर मोस्टली सटीक होते हैं, और आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, इसलिए मैं आपसे इंप्रेस्ड हुआ कि जो क्वेश्चन आपने गलत किया, और जब वो क्वेश्चन आपने गलत किया उस क्वेश्चन का आपको सही पता चल जाए कि इसका सही आंसर ये है, तो वो क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने उसको गलत किया, तो उसको गलत करने के बाद जब आपको पता चलता है कि यार ये सही नहीं, ये सही था, तो बेटा आप कभी नहीं भूलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हो, इलेक्शन ले लेते हो यार, चुनाव में इलेक्शन होता है, सभी इलेक्शन होने वाला है, गांव में इलेक्शन होते हैं, प्रधानी के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, आप जब चुनाव हार जाते हैं सर, तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर कमियाँ थीं, उसका पूरा एक एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन सी कमियाँ रहीं, तो वो कमी आप आगे नहीं करते हैं, और फिर हम लोग आगे सफल होते हैं, ठीक है सर। तो सफल होना है तो बेटा आप लोगों को क्या करना होगा, गलतियाँ भी करनी होंगी, ठीक है। सही बात, कोशिश करने वालों की, कोशिश करेंगे तो हारेंगे कैसे, बिल्कुल सर, ये मैं ही कहना चाहता हूँ, बस लगे रहिए आप लोग अपने तास, और हम भी लगे हुए हैं आपके साथ सर, हम कहीं भी होते हैं बट 1 बजे आपके साथ लाइव होते हैं भाई, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे यहाँ पर लाइव बैठे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और मेरे को उनको EVS के अंदर क्या करना है, 30 में से 30 नंबर देना है, ये मैंने प्रण कर लिया है भाई साहब, अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है कि जो बच्चे भी मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन मुझे उनको मेरे को 30 में से 30 नंबर ला के देना है, वो भले पेपर आपका CTET का दें, भले पेपर वो UPTET का दें, वो मेरी जिम्मेदारी है, कैसे करना है, बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मेरे साथ यहाँ पर 1 बजे लाइव आ जाया करो, फिक्स 1 बजे 1 PM पर आप लोगों की यहाँ पर लाइव आनी चाहिए बस। और सेशन को आते ही क्या करना है, अपने फेसबुक से, अपने टेलीग्राम में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दो, जिससे कि हम बेटा यहाँ पर ज़्यादा से बच्चे पढ़ें, और फिर जब बच्चे यहाँ पर ज़्यादा आएंगे सर, तो हमारा पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, और आपके पढ़ने का तरीका और हमारे पढ़ाने का तरीका दोनों बदल जाएंगे सर, क्योंकि हमारे अंदर होता है ना हाई द जोश, वो हो जाएगा सर, तो वो जोश होता है ना वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, जैसे बच्चे बढ़ते हैं जोश बढ़ता जाता है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैसीय अवशिष्ट जो हैं, गैसीय वेस्ट जो हैं, वो क्या है, सब्जी और फलों के छिलके हैं, या फिर घरों की नालियों से निकला हुआ गंदा पानी है, या फिर खेल खलिहानों से निकलने वाला कचरा है,
स्पोर्ट्स, बर्न वेस्ट या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं या वुड स्मोक, क्या है आपका गैसीय अपशिष्ट? तो भाई यहाँ पर क्या आंसर बनेगा बच्चों मेरे पास, बताइए। सर डाउनलोड वीडियो होता है, बिल्कुल होता है सर, डाउनलोड होता है, आप ऑफलाइन देख सकते हैं आराम से, नो टेंशन। वैसे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल गई होगी, लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया है, कितने बच्चों को ये बताओ बेटा पीडीएफ मिल चुकी है लास्ट क्लास की? क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ अपनी टीम के पास और आप लोगों को पीडीएफ मिल भी गई होगी। लास्ट क्लास का पीडीएफ मिल गया है ना आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को, लास्ट क्लास का पीडीएफ मिल गया है ना? हाँ मनु त्रिपाठी जी, क्या दिक्कत आई बेटा? कोयल कुमारी आ चुकी हैं, कुलदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मनीषा, अदिति, कुलदीप गुजर। देखो भाई यहाँ पर राजकुमार का आंसर आया है सर, लकड़ी से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आता है और बिल्कुल सही आंसर है। जो डी आंसर लगा रहे हैं बच्चे वो सारे आंसर क्या लगा रहे हैं? बिल्कुल सही लगा रहे हैं सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि गैसीय अपशिष्ट भी पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट यानी वेस्ट शेष होते हैं तथा गैसीय के रूप में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं। यानी कि द गैसीय वेस्टेज आर दो सबस्टेंस विच आर दो वेस्ट ऑफ सम अदर सबस्टेंस, पहला पॉइंट। दूसरा ये आता है तथा गैस रूप में होते हैं, इसमें पर्यावरण के प्रदूषण होता है, इससे क्या होगा सर आपका? जो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण है वो होगा, ठीक है। दूसरा, वायु प्रदूषण का कारण क्या बनता है सर आपका यहाँ पर? ये वायु प्रदूषण का कारण बनेगा, ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनसे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। और गैसीय अपशिष्ट निम्न हैं कौन कौन से? लकड़ी से के कोयले से जलने वाला धुआं या फिर लकड़ी औद्योगिक क्षेत्रों में चिमनियों का धुआं, ठीक है ये भी है, या फिर जंगलों में लगाने वाली आग से निकलने वाला धुआं, ये भी सर क्या है? उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके ही एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई भी डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विल स्प्रेड फार एंड वाइड? तो बीजाणु द्वारा या फिर बीज द्वारा या फल द्वारा या फिर आपका कायिक जनन द्वारा वितरित, तो भाई आंसर क्या बनेगा आपका यहां पर? ए बनेगा, बी बनेगा या फिर सी बनेगा? तो देखिए भाई यहां पर देखेंगे आप, तो बेटा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा यहां पर कि होता क्या है, देखो ध्यान रखना, जिन पौधों को हम लोग दूर दूर लगाते हैं वो हमारे कायिक जनन डिस्ट्रीब्यूट बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्या आंसर बनेगा आपका यहां पर? डी बनेगा, ठीक है। यानी कि सर कायिक जनन जो है अगर देखा जाए तो भाई आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और इस जनन में पादप के कायिक भागों द्वारा नए पादप का निर्माण कायिक जनन कहते हैं, क्या है यानी कि क्लोनिंग प्रक्रिया होती है एक तरीके से। ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपके आलू के टुकड़े हो गए, ये अलग लगा दिए, इनको फिर खेत में डाल दिया जाता है, फिर आपके आलू के अलग अलग पौधे क्या होते हैं आपके? होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर राजकुमार, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, इंदु ने भी सही बताया है, विवाह कुमारी ने डी बताया है और डी इज द आपका क्या बनेगा बेटा? राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन जो डी है हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे सर ये ना आलू की आंखें होती हैं, यहाँ से ये अंकुरित होते हैं, कलकाएं निकलती हैं, इनको आलू की आंखें कहते हैं हम लोग, ये देख रहे हो आंखें, ये आलू हो गया, ठीक है। तो ये आलू में क्या होता है भाई आपका? कायिक जनन होता है, ठीक है सर। समझ में आ गया पॉइंट, क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सर आपका यहां पर, जब एक जीव का लाभ लेता है बगैर सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है?
व्हेन अ ऑर्गेनिज्म टेक एडवांटेज विदाउट अफेक्टिंग द कोहबिटिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, बताइए इस आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा बी बनेगा? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहबीजी, क्या आंसर बनेगा बेटा आपका यहां पर? भाई यहां पर आंसर बनेगा आपका बेटा डी, सहजीवी। ध्यान रखिएगा सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर्क्रिया होती है जिसमें एक जंतु तो का तो एक से संबंध लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती उससे, तो ऐसा क्या कहलाता है वो सहभागिता या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग सहभोजी कह सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी सीधा क्या होगा आपका राइट आंसर बनेगा। जैसे आप देखोगे तो भाई गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवक के ऊपर समुद्री अनीमोन चिपकी रहती हैं, इसी प्रकार सार्क में आपका पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती हैं और वेल से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो क्या कहलाते हैं सहभागिता कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये आपकी कोइल से ये वेल आपकी मछली है उससे चिपके हुए हैं बहुत सारी है। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा बेटा आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या बनेगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, सहभागिता या सहभोजी। ठीक है भाई, तो जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को भाई लाइक नहीं किया है वो सेशन को फटाफट से लाइक कर लें। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत से बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है। भाई क्या दिक्कत आ रही है बच्चा? क्वेश्चन एक एक ऐसा है आपके लिए जिसमें आप ये कहोगे सर मज़ा आ गया, ये क्वेश्चन ही हमें पढ़ने थे, ये क्वेश्चन हमें मिले ही नहीं अभी तक। आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा है अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आपने ऐसा क्यों पढ़ा वैसा क्यों पढ़ा, नहीं सब अच्छा पढ़ाते हैं, सारे लोग अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों को कितनी अच्छी आपका जो सोर्स है मिल पाता है वो डिपेंड करता है। तो हमें कंटेंट सही पकड़ना है, कंटेंट सही पढ़ना है, मेहनत तो सर तो कोई भी करता है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है, कम पढ़ने पर अच्छे नंबर लाने हैं बेटा हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो भाई सेशन को फटाफट से लाइक करें जो बच्चों ने लाइक नहीं किया है सेशन को भी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाते हैं और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो भाई मोर का जो पोषण तल है वो क्या है? व्हेन द कीकॉक ईट अ स्नेक एंड द स्नेक ईट इंसेक्ट एंड द इंसेक्ट ईट एवरी प्लांट, तो द न्यूट्रिनल बॉटम ऑफ द पीकॉक इज, कौन सा होगा सर आपका? प्राइमरी कंज्यूमर का होगा या फिर अंतिम अपघटक होगा या फिर प्राइमरी आपका डिकम्पोजर होगा या फिर एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड के ऊपर होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। क्या आंसर बनेगा बट आपका यहाँ पर? ए बनेगा या फिर बी बनेगा या सी बनेगा? हाँ विजय लक्ष्मी जी, अजय गुरी, आपका रिचा सर डन लाइक कर दिया है, निधि सक्सेना सर आपने बताया था कि यूपी टेट के क्या बताया था भाई के लिए क्वेश्चन बहुत हैं। हाँ बिल्कुल सर, यूपी टेट के लिए तो समझ लो कि आपका ये मतलब संजीवनी है, यूपी टेट की संजीवनी बता रहा हूँ मैं आपको, बस ये पढ़ लिया बेटा पाठ है। वाह भाव्या जी का खतरनाक वाला थंबनेल आया है हमारे पास, खुश हो गया दिल यार। डीएसएस में भी हाँ ऐसे उसने आते हैं सर, बिल्कुल कीर्ति कुमारी, ध्यान रखिएगा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पर, यूपी टेट सी टेट तो मैं करा ही रहा हूँ बेटा, बस सेशन को क्या करना है आपको शेयर करते रहो भाई, शेयर और लाइक आपका रुकना नहीं चाहिए सेशन का, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, केवल एक रिक्वेस्ट छोटी सी और कुछ नहीं है। अब देखो ना आप लोग अभी याद भी लाइक हुए हैं, बस पूरी लाइक ही नहीं कर रहे बच्चे, ऐसे पसंद आ रहा है तो लाइक करो फटाफट से। अब देखो यहाँ पर सर ऑप्शन डी बनेगा हमारा राइट आंसर,
तो सबसे टॉप पर क्या होगा आपका? मोर होगा सर, यानी कि मोर खाद्य श्रृंखला के स्थान किस पर होगा? सीड्स पर होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या रहा है, उत्पादक जो है हमारे कौन है? पेड़ पौधे, मतलब कंज्यूमर हैं आपके प्रोड्यूसर कौन है? आपके पेड़ पौधे हो गए जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कीड़े क्या करते हैं? इंसेक्ट उनको खा लेते हैं, कीड़ों को सांप खा लेता है, और सांप को कौन खा लेता है? मोर खा लेता है। तो मोर कहाँ पहुंच गया? सबसे टॉप पर। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चा सेशन को फटाफट शेयर करो अभी जल्दी से, और शेयर करते जाइए, और भाई लाइक लाइक, ठीक है। हाँ ये नहीं रुकना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर मेरे पास आ चुका है, क्या दिया भाई फिफ्थ का आंसर बच्चों ने? डी दिया, ए डी होगा। ठीक है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, इनमें से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? तो भाई आपका बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, या फिर चूना पत्थर? बताइए सर आंसर क्या बनेगा आपका? ए है, बी है, या फिर सी है? स्टोन या ग्रेनाइट या मार्बल या फिर लाइम स्टोन? तो भैया यहाँ पे आंसर बनेगा बेटा आपका, ध्यान रखिएगा, और सी संगमरमर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो सी है वो क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा, क्योंकि सर एक ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जब आपका मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क में क्षेत्र की जो चट्टान है वो क्या होती हैं सर? आपकी रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द वोल्केनिक एक्शन द एलिमेंट मैग्मा कम्स आउट एंड देन द रॉक्स इन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द मैग्मा आर ट्रांसफॉर्म्ड। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइम स्टोन गेट कन्वर्टेड इन टू मार्बल। यानी कि जब ये परिवर्तन होता है या ये काया आपका क्या कह सकते हो आप रूपांतरण होता है तो वो क्या होता है? मार्बल, संगमरमर में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसलिए चूना पत्थर अवसादी तलछटी पत्थर जो होती हैं आपकी वो इसके क्या है? सारे उदाहरण हैं। तो भाई संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है, तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर बन जाएगा, जो मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सिक्स का आंसर सी होगा, समझ में आ रहा होगा? अगर किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो भाई पूछ लीजिएगा मुझे यहां पर जल्दी से, मैं केवल और केवल आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। हाँ विजय लक्ष्मी जी बिल्कुल, आपकी रिक्वेस्ट देखो बच्चे मानेंगे। एचटेट के लिए भी कुछ हेल्पफुल है? बिल्कुल पूनम जी, ध्यान रखिएगा एचटेट एमपीटेट के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, बस लगे रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फाउंड द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ओशन? तो सबसे ज़्यादा जानते हैं सर आप लोग जो है कि समुद्री महासागरों में पानी कैसा होता है? खारी होता है। पानी खारी होने की वजह से कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? नमक मिलेगा। और नमक की बात करें तो क्या भाई आपका? सोडियम क्लोराइड है। अगर नमक की बात करते हैं, नमक का मतलब क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। तो यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? डी बन जाएगा, ये रहा सोडियम क्लोराइड। भैया देख लो, महासागरों में सोडियम क्लोराइड यानी लवण जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखा होगा, आप सुना भी होगा आपने कि मृत सागर की अगर बात आती है सर, तो मृत सागर के अंदर तो भाई साहब एक लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम नमक आपको मिलता है। समझ रहे हैं आप? इतना नमक होता है मृत सागर के अंदर, डेड सी के अंदर, कि अगर एक लीटर पानी की बात की जाए तो वहाँ पर 300 ग्राम नमक मिल जाएगा। और बेटा वहाँ पर चीज़ें कभी भी आप सबको तैरना भी नहीं आता हो ना तो भी आप तैर सकते हो वहाँ पर, आप डूबोगे नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसमें आपका सॉल्ट लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो पानी को मैं आपको डूबने नहीं देता। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या बन जाएगा बेटा आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है, और इसका सूत्र क्या होता है आपका? केमिकल फॉर्मूला NaCl, ये याद रखिएगा NaCl। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? हाँ विक्रांत, अदिति, प्रिया कुमारी, रिंकी, इंदु, रिंकी आ गई हैं, प्रिया भी आ चुकी हैं, पूनम भी आ चुके हैं, दिनेश, देवा खातून भी हमारे भाई एक रेगुलर स्टूडेंट हैं खातून, मैं आपको फॉलो देख रहा हूँ, फॉलो करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और डेली सेशन लेते हैं। यही प्लस पॉइंट है, यही बच्चा चाहिए मुझे, ऐसे बच्चे चाहिए सर, भले 100 बच्चे मिल जाए, मुझे ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, 100 बच्चे मिल जाए हमारे ऐसे, हम उन्हीं से काम चलाएंगे, उन्हीं को पढ़ाएंगे, लेकिन सर बस हमें वो क्या चाहिए? सिलेक्शन देने उन बच्चों से। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या भारत के मुख्य न्यायाधीश? हु प्रिडाइज ओवर द मीटिंग इन द राज्यसभा? तो भाई आंसर क्या देंगे बच्चों यहाँ पर, ए है, बी है या सी? तो भाई यहाँ पर आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ए, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है आपका, अगर बात करें सर तो देखो उपराष्ट्रपति राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की सब प्रतिनिधि सभा है, ठीक है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों को आपका राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है और बाकी 238 सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो आपका चुने जाते हैं वो 6 वर्ष यानी कि 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें एक तिहाई सदस्य 2 साल के लिए बाद क्या होते हैं, 2 साल में सेनानिवृत्ति हो जाते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदन के सभापति होते हैं ध्यान रखिएगा, और सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। इस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति भाई कौन है ये बताएंगे मुझे आप फटाफट से, उपराष्ट्रपति कौन है हमारे देश के? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाम कमेंट में लिखिए फटाफट से भाई, मैं जब तक आ रहा हूँ उस पर। उसका निर्वाचन जो है चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जो जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका उपराष्ट्रपति की बात, आपके राज्यसभा की बात। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि भाई ये बताओ कि हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भाई क्या नाम आएगा? साइंस आती है क्या आपको रिप्लाई में सर जी? अरे भाई नीत का साइंस पढ़ाएंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अब तो साइंस आपकी मैं सेकंड वाला पेपर भी पढ़ाऊंगा, एक साइंस तो आपके ईवीएस में ही आती है वो भी पढ़ाएंगे आपको। आपके एग्जाम में ध्यान रखना साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं सी टेट में और यूपी टेट में भी। बच्चों सेशन को यार शेयर करो यार, अब लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, अभी भी मज़ा नहीं आएगा भाई ऐसे। ध्यान रखना सेशन को शेयर करती जाइए जितने ज़्यादा कर सकते हैं आप। आपका ये चैनल है बेटा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपके बिना सपोर्ट के हम कुछ नहीं हैं, और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बेटा हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेशन को शेयर करें, और आप यहाँ पर जब आते हो बेटा तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से वही पढ़ के जाओगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्या करना है आपको, एग्ज़ाम के लेवल का पढ़ना है सर, जो एग्ज़ाम में आता है आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन टच होते हैं वो पढ़ने हैं हमें। श्री रामनाथ कोविंद तो भाई साहब आपके राष्ट्रपति हैं, हाँ वेंकैया नायडू जो हैं, वेंकैया नायडू जो हैं वो हमारे क्या है, देश के उपराष्ट्रपति हैं। मतलब भैया अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी आपके जिस राज्य में रह रहे हैं उसका सीएम तो पता ही होगा आपको, लेकिन राज्यपाल भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है बताना जरा मुझे एक बार, यूपी टेट का पेपर आपका जैसे होता है तो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है बताइए जरा, जब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सर आता है इनमें से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ एक्सपेंशन? बताइए सर, काली मिट्टी होगा, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है या बलुई मिट्टी है, बताइए सर। हाँ प्रिया तुम्हारी जो हो गया तो बिल्कुल, प्रिया ने सही आंसर दे दिया है। अभी मेरा क्वेश्चन था एक तो ये था कि आपके यूपी की राज्यपाल कौन है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि भाई राइट आंसर क्या बनेगा। मेरा ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? बस एक दिक्कत देख रहा हूँ मैं, बच्चे सेशन को भाई लाइक नहीं कर रहे, ठीक है, बहुत से बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है भाई, वो नहीं होना चाहिए। और जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दो बेटा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, काली मिट्टी होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा, लाल मिट्टी है या फिर बलुई मिट्टी है, बताइए सर क्या आंसर बनेगा आपका बेटा। वेरी गुड, बताइए एनसीआरटी का एसएसटी करा दीजिए बेटा। चिंता एनसीआरटी नहीं कराऊंगा मैं, एसएसटी तो सदू से कराते हैं, मैं आपको साइंस कराऊंगा टेंशन मत लो। प्रिया जी हो गया, आनंदी बहन पटेल, वेरी गुड, हायर लेटर ने बताया है, बस मेरे को एक आंसर मिला है बस। आनंदी, राधा ने भी बताया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 9th का D आ रहा है, कुछ अच्छे 9th का D बता रहे हैं, 9th का A बता रहे हैं और 9th का B दिया है कोयल कुमारी ने, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर बनेगा सर आपका यहाँ पर। जलोढ़ मिट्टी जो होती है सर आपका, वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर
जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत के भूभाग के लगभग 40 से 50 भाग पर जलित मिट्टी पाई जाती है। 40 से 50 भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होती है, ध्यान रखना इस बात का, और इसलिए ये मिट्टी बहुत उपजाऊ भी होती है। इस मिट्टी के अंदर आपको पोटास, फास्फोरस अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है इसमें, ठीक है। तो भाई ये आपका बनता है राइट पॉइंट, राइट फंडा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए मेरे को, ठीक है। यह मिट्टी कृषि के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त तो होती है। दिस सोइल इज मोर सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, राइट। तो ऑप्शन जो है बी आपका, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। हाँ आनंदी सरता सही हो गया बेटा। अब तो वीडियो फ्रीज हो रहा है रिचा, देखो वीडियो फ्रीज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो चीजें सारी हमारी मोटरी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग। ऐसे शाकाहारी हर्बीवोरस एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स। तो भाई आंख बंद करके क्या लगा दोगे आप, फर्स्ट स्टेज कंज्यूमर, प्रथम चरण के उपभोक्ता, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा बेटा, आपका यहाँ पर देख सकते हो राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि पौधे जो होते हैं आपके वो भोजन अपना बनाते हैं खुद, उन्हें कहते हैं उत्पादक। और शाकाहारी जंतु में आपका गाय हो गया, हिरण हो गया, हाथी हो गया, ये आते हैं भाई। गाय है, हिरण है, हाथी है, बकरी है, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। और मांसाहारी जो होते हैं वो किसमें आते, द्वितीय में आते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक कहा जाता है, और पेड़ पौधे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता किसे कहा जाता है आपका, जो इन जीव उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। द्वितीय उपभोक्ता में आपका सांप हो गया, शेर हो गया, मोर, जो मांसाहारी होते हैं वो आते हैं, ठीक है सर। पर्यावरण शिक्षा में समस्या विधि का गुण है, यानी कि द प्रॉब्लम इन एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ मेरिट ऑफ द मेथड। पर्यावरण शिक्षा में समस्या विधि का गुण क्या है, लक्ष्य केंद्रित विधि होती है ये, या फिर सृजनात्मक विधि होती है, या फिर चयनात्मक तो होती है, या उपरोक्त सभी। बेटा 11 क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है आपका। तो भाई यहाँ पर जो आंसर बनेगा बेटा आपका ध्यान से लगा लो फटाफट से, बोर्ड बनेगा डी, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। यानी कि सर पर्यावरण शिक्षा के अंदर समस्या समाधान विधि के अंतर्गत देखा जाए तो खोजकर्ता के रूप में आपका सृजनात्मकता, चयन की क्षमता, लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि में निम्न गुण होने चाहिए, जिसमें कौन कौन से, लक्ष्य केंद्रित विधि होनी चाहिए, सृजनात्मक और चयनात्मकता तीनों होने चाहिए। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, यह विधि मित व्ययी नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय होते हैं, या फिर इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या उपयोग सभी। क्या आंसर बनेगा भाई आपको ये बताना है, ए बनेगा, या फिर बी बनेगा, या फिर सी होगा। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो बेटा यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा बी, ध्यान रखिएगा। यानी कि बी की अगर बात करें हम लोग, तो इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। यानी कि हम देखें यहाँ पर, तो समस्या के चुनाव के परिणाम की वैधता निर्धारित करने पर प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता संदेह रहित रहती है, ठीक है। इस विधि में प्रकेशन सूक्ष्मता से आपके करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते। तो ऑप्शन जो है हमारा बी क्या बनेगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है ये बताना है सर। व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम, या करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम ये बताना है। तो भाई राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ए बनेगा,
या परस्पर क्रिया करने वाला सजीव समुदाय, बी में है किसी स्थान का अजीवीय घटक, सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, और डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन यंत्र। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, आपका आंसर क्या बनेगा? ए होगा, बी बनेगा या फिर सी बनेगा? तो बेटा यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा आपका डी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो डी है आपका, यानी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन यंत्र जो है वो आपका क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम की राइट या करेक्ट डेफिनेशन कहलाती है। देखो हम जानते हैं सर, इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो इकोसिस्टम जो है एक प्राइम आपकी नेचुरल यूनिट होती है सर आपकी, ठीक है, विच इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, आपके पैरा ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके इकोसिस्टम में आते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार पारितंत्र आमतौर की एक इकाई है जो कि एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं, ठीक है, ये कई सारे क्या करते हैं सर, आपका फूड वेब बनाते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन, ठीक है, श्रव्य या ऊर्जा प्रभाव को दिखाते हैं। तो यानी कि सर देखोगे आप तो इस तरह से देख सकते हैं, ये है आपका इकोसिस्टम एक, आप देख रहे हैं यहां पर सर, ये आपका इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम के अंदर ये कैसा है भाई इकोसिस्टम, एक पॉन्ड के अंदर या एक समुद्र के अंदर है, मछलियां हैं इसमें, छोटी मछली, बड़ी मछली, कवक, शैवाल सब मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, समझ पा रहे हैं सर आप? ये समुद्र का क्या है आपका एक इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होता है भाई आपका? सी का ही होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम किसका होता है, तो वो सी का ही होता है, समुद्र का ही होता है, ठीक है बच्चों। या सेशन को भाई शेयर करो बराबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ठीक है, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, या शरीर का बाहर कम करना, या फिर आपके हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की ओर ज्ञानानुसार कार्य करते हैं, या अधिक तेज चाल? बताइए भाई, पहला देखा होगा, सारे वैसे जानवरों में देखा जाए अगर तो मनुष्य के ही केवल जो है खड़ा हुआ होता है और पैरों अपने पैरों पर खड़ा होता है, बाकी सबके जो जितने भी आपके चार पैर हैं वो क्या होते हैं? मनुष्य झुका हुआ होता है, भले जितने भी आपके जानवर होते हों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा बेटा आपका? ए बनेगा, बी बनेगा या सी बनेगा? नीति का क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? एंड टीचिंग इन हिंदी, बेटा नीति का दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, हिंदी में भी है, कंटेंट है आपका, इंग्लिश में भी है, और रिप्लाई आपका कहाँ नहीं दिया भाई मैंने, बताओ। 14 का सी आ गया है मेरे पास आंसर, कोयल का, पूजा का, सुषमा कुमारी ने भी सी दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किरण का ए आया है, निधि का सी आया है, और सी में है आपका हाथ, यानी कि हैंड्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ब्रेन, तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर, ध्यान से समझिए सर, आंसर सी क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बनेगा। देखो भाई होता क्या है, द मेन रीजन ऑफ फॉर वॉकिंग ऑन टू फीट इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव विकास के क्रम देखा जाए सर आपका, तो पैरों से चलने का मुख्य कारण है, होता है कि मानव के दो हाथ क्या होते हैं सर, फ्री हो जाते हैं, और मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार वो कार्य करने को क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इससे कार्य करने की कुशलता का विकास होता है और कार्य तेजी से भी होता है, ठीक है। इसीलिए सभी जंतुओं में अगर देखा जाए तो बेटा मानव ही दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, ठीक है, जिसका लाभ मनुष्य को तेज चलने में भी होता है। तो ये हमारे कई सारे फैक्टर्स हैं, रीज़न हैं, जिसमें मनुष्य जो है वो पैरों पर सीधा खड़ा होकर के चलता है, जबकि आपने देखा होगा चीता हो, शेर हो, या कितने भी बड़े बड़े जानवर देखे हैं आपने, वो आपके जो है सीधे नहीं खड़े हो पाते अपने पैरों पर, ठीक है सर, समझ में आया पॉइंट? विजय क्लियर आता है बेटा? यस राज क्लियर है बेटा? यस राज फिल्म, अरे भाई साहब यहाँ पे यस राज आ गए क्या मेरे पास भाई, हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है।
जल्दी से फटाफट बच्चों सेशन को भाई शेयर कर दें एक बार जरा सारे बच्चे, और भाई सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को भाई शेयर और लाइक फटाफट से करें। जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर जल्दी से जल्दी कर दें, ठीक है? और सेशन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, बताएं बेटा, हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। एक एक डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा, ठीक है? मैंगो सिल्क पिजली आपके लिए सर। कोयल कुमार जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना, ठीक है, हमारी तरफ ध्यान देने के लिए। मैथ का टीचर चाहिए क्या है? नीत का तुषीर, ये तो नीत का तो कुछ हमें तुषीर, नीत का समझा नहीं क्या कहना चाह रही हो भैया आप। पूजा, नीत का पढ़ना या नहीं? हाँ भाई पढ़ रहो भाई, टेंशन से पढ़ो, टेंशन से मत लो यार, मैं उसकी टेंशन से मत लो, कुछ भी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ पहले। तो भाई ज्योति ने दिया आंसर बी मेरे को यहाँ पर। सर भूकंप की जो तीव्रता ना मापने का क्या यंत्र है उसे क्या कहते हैं आप? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ या कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर, ठीक है? आंसर क्या बनेगा बेटा आपका? ए बनेगा। तो भाई ध्यान को देखना, सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं हम लोग, भूकंप की जो तीव्रता को नापते हैं उसमें किसका यूज होता है आपका? सिस्मोग्राफ का यूज होता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिस्मोग्राफ नामक का यंत्र को यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है भाई आपका? रिएक्टर पैमाने का यूज़ होता है। रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हुए हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक ये अंक चिन्हित होता है। और जब जब ये अंक बढ़ता है भूकंप की तीव्रता को, बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है, तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है सर। और ध्यान रखिएगा भाई, अगर 9 का मतलब जो है कि पूरा मामला सिस्टम फिनिश, ठीक है? नीतका सुशील, ओके, एंजॉय बाय स्टूडेंट्स। आप ये हमारे ऑफलाइन वाले तो स्टूडेंट नहीं है भाई कुछ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे। नीतिका तिवारी भी है, निहारिका तिवारी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशनल। सर क्लास का 11 का मैथ हार्ड? अब भाई देखो भाई, 11 का मैथ का मुझे नहीं पता यार, मैं ईवीएस साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो भैया मुझसे अब मैथ के बारे में ना पूछो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप और कुछ पूछो। हाँ हम लोग जो है प्रिपेयर फर्स्ट का कर रहे हैं, बिल्कुल पेपर हम लोग फर्स्ट पूरा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। देखो भाई ये है 6 से 6.9, इमारतों में दरार पड़ जाती हैं इस, अगर रेक्टेल से आप स्केल कर रहे हो तो। 7 से 7.9 इमारतें बिल्कुल गिर जाती हैं भाई। और 8 से 8.9 हो जाएगा तो पुल भी गिर जाएंगे। और 9 से ऊपर गया तो बहुत बड़ी तबाही होती है सर, जिसको रोकना फिर बड़ा मुश्किल है। ठीक है प्रिया, निधि सिंचान क्लियर है बेटा? वेरी गुड। रिएक्टर, हाँ रिएक्टर स्केल जो होता है वो सिस्मोग्राफ में ही लगा होता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सूरज के निकटतम ग्रह कौन सा है भाई, ये बताइए मुझे आप। विच इज द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। और भाई यहाँ पर जल्दी से सेशन को भाई शेयर करो फटाफट से। जो बच्चे भी लाइव हैं हमारे साथ वो जल्दी से सेशन को भाई यहाँ पर शेयर करें और लाइक भी करें फटाफट से सेशन को। लाइक भी नहीं किया बहुत से बच्चों ने यार, ऐसे नहीं होगा भाई। यहाँ पर 100+ लाइक तो मुझे चाहिए चाहिए कम से कम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जल्दी से लाइक करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन तभी आएगा भाई, अब मंगल होगा, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वीनस या फिर मरकरी, बुध। क्या आंसर बनेगा भाई आपका यहाँ पर? ए है, बी है या फिर सी है? तो भाई देखते हैं सर यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है मेरे पास बच्चों का। सेशन को बेटा लाइक और शेयर करते जाइएगा। जिन बच्चों को भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है सर, उसके लिए बताइए फटाफट से, हम आपका हर सॉल्यूशन ला के देंगे आपको, ठीक है? सारी क्लासेस आपकी देखो सुबह से देखोगे आप, सुबह से आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, CDP, ठीक है, EVS, हर किसी की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं। किसी भी क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप, ठीक है? इसलिए आपसे मेरा है। और देखो हमारी जो क्लास है वो क्लास कौन सी है बेटा? क्लास 10th क्लास चल रही है आज हमारी। ये जो क्लास है हमारी, क्लास क्लास हमारी क्लास 9th हुई थी,
आज हमारी क्लास क्या है, 10th हो रही है, और कल हमारी क्लास क्या होगी भाई, 11th होगी। तो एक सीक्वेंस वे में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। बताओ बच्चों, वेरी गुड, बताओ जल्दी से आंसर। तो भाई डी आंसर आ रहा है, बुध होगा सर, बिल्कुल मरकरी आपका बुध जो है आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है सर, जल्दी से बताएगा, देखिए आप लोग राइट आंसर क्या बेरा हमारा, बिल्कुल डी है। हमारे सौरमंडल में अगर देखा जाए सर, तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम में देखा जाए तो किस प्रकार है, बुध पहले आता है सबसे पहले, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और इस प्रकार बुध से सूर्य सबसे क्या हुआ, नजदीक ग्रह होता है। और बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह जो है वो भी कौन सा है आपका, बुध होता है। तो द पोजिशन ऑफ द प्लानट इज द सोलर सिस्टम इज ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस सन, इस तरह से होता है सर। ठीक है, नीत का ये क्या है, और पढ़ने को नहीं, दिमाग तुम्हारा पढ़ने में क्यों नहीं लग रहा बेटा, कभी किसी का नंबर मांग रहे हो, कभी किसी से जो है आप बात कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, सेशन पर ध्यान दो आप। तो भाई देखिए इस तरीके से होता है, ये आपका मान लो सन है, सबसे पहले कौन आ गया, मरकरी, ठीक है, फिर वीनस आ गया, फिर अर्थ हो गया, मार्स, जुपिटर, ठीक है, इस तरीके से आपके सबसे ये बनता है। ठीक है भाई, तो बुध है पहले, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, और फिर अरुण और वरुण, इस तरीके से आपके सौरमंडल के अंदर ये सारे के सारे आप देखोगे तो प्लैनेट होते हैं। ठीक है सर, अच्छा देखो यहाँ पर बेटा इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है आपका, ये भी इसको ध्यान रखिए ना, ये इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है भाई आपका, चंद्रमा है, ये ध्यान रखिएगा, सूर्य सबसे निकट ग्रह किसके है आपके, बुध है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है, और सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है आपका, वो वरुण है आपका सबसे दूर। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है। सबसे अगर पृथ्वी की बात की जाए कि भाई पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया आपका, शुक्र हो गया। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया आपका, वो भी शुक्र है आपका। सबसे चमकीला तारा आपका होता है साइरस, जिसे डॉग स्टार बोला जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो है बृहस्पति आपका। ठीक है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है आपका, मंगल ग्रह कहते हैं, जो क्या होता है रात्रि में लाल दिखाई देता है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है आपका, डीमोस है। नीला ग्रह किसे कह सकते हैं हम लोग, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कह सकते हैं सर आपका, ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह कहलाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड कहलाता है, और सबसे बाहरी ग्रह जो है आपका वो कौन सा है आपका, बृहस्पति ग्रह है। तो ये आपके सारे क्या है भाई आपके, नीत का मेरी बात को बुरा मत लो यार, ठीक है, बुरा मत समझा करो, हर बात को बुरा नहीं समझते। ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये है कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लाइव आते हो, अच्छी अच्छी है, लेकिन उसको पढ़ो अभी आप। ठीक है, अभी दिमाग पढ़ने में लगाओ बस, मतलब कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे है सर आपका, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बताइए, राजस्थान में है, गुजरात में है, या फिर आपका मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पूछा ये क्या है, गिर राष्ट्रीय पार्क जो है किस में स्थित है भाई आपका। तो ध्यान रखिएगा सर, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है आपका, राष्ट्रीय उद्यान, वो गुजरात में स्थित है आपका, काठियावाड़ जिले में, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और इसमें बब्बर शेरों का संरक्षण प्रसिद्ध है भैया, यहाँ पर शेर बब्बर शेर हुए हैं आपके, देख रहे हो आप, ये है आपका बब्बर शेरों का इलाका, आइए मिलिए बब्बर शेरों से आप, तो जाइए गुजरात, इसलिए भैया लॉयंस सिटी कहा जाता है गुजरात को। ठीक है, हाँ मनु त्रिपाठी, सोनी चावला,
ज्योति सिंह बघेल के 17 का बी होगा, बी आंसर सही है बेटा आपका। मजा आ रहा नहीं यार भाई बताओ सेशन को, तो यार 100+ करा, जल्दी क्रॉस कराओ भैया, जल्दी से 100+ करा दो फटाफट से क्रॉस। यार आप सेंचुरी नहीं मारने देते हो, हर बार मेरे को ना आप अंडर सेंचुरी मार देते हो। ठीक है, लास्ट तो भाई साहब मैंने पता है 98 पे गिर गया आपने करा दिया। ठीक है, तो भाई सचिन चंद्र को बना दिया गया मुझे सर, अंडर 90 में कराएंगे आपको, हैं 100 नहीं मारने दोगे क्या? जल्दी से लाइक करो बराबर से भाई सेशन को, और शेयर कर दो बराबर से जितना कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें एक शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है, या फिर यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। क्या आंसर बनेगा भाई आपका यहाँ पर? निश्चित विधि की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है, कौन सी विशेषता नहीं है? ओके प्रदीप कुमार, धन्यवाद भाई। तो बेटा यहाँ पे आंसर बनेगा बेटा आपका ए, या एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो भाई ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये कहता है इसकी विशेषताओं में कि यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है, निरीक्षण विधि। दूसरा, व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इसे प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जाता है उतना अन्य से नहीं। ठीक है, दूसरा, कक्षा में छात्रों के व्यवहार, मैनमुखी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तटीय प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, अवलोकन के संसार अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते हैं। ये सारे इसके क्या है भाई आपके? टाइप्स बनते हैं। ठीक है सर, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से बाहर नहीं, ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही ईंधन माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स फ्यूल इज कंसिडर्ड एज अ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नाउ डेज? तो डीजल को मानेंगे, या पेट्रोल को, या फिर एलपीजी, या फिर आपका सीएनजी। भैया सीएनजी जो गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो से आपका वायु पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको फ्रेंडली माना जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। तो भैया यहाँ पर 19 क्या बन जाएगा आपका? डी आंसर बन जाएगा, देख सकते हैं लोग वहाँ पर। सीएनजी जो होता है वो ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण का स्नेही माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम प्रदूषण होता है, और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही क्या कहते हैं हम लोग? सीएनजी कहते हैं। ठीक है, चूंकि ये प्राकृतिक गैस का संपीड़न रूप है, इसलिए इसका रासायनिक जो है वो संगठन बगैर दबाव के बने गैसों के समान होता है। जैसे आप देखोगे तो मुख्य रूप से आपको इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये गैस मिलती हैं आपको। ठीक है सर, आ गया समझ बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? बहुत बढ़िया, मतलब आगे नहीं बढ़े, कसम खा रखी है सर आपके साथ, है ना? चलिए भाई, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाएगा, ये पूछा गया है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? ठीक है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं उसको हम लोग, या भू वैज्ञानिक चक्र कहेंगे, या फिर रासायनिक चक्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए सर, देखो आराम से बताना है, सही आंसर बताना है, गलती नहीं करनी है, बस ध्यान रखना। सीएनजी आंसर हो गया हमारा। अब यहाँ बनेगा बेटा आपका ऑप्शन ए, जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है आपका, उन तत्वों में अगर देखा जाए तो पूरे इकोसिस्टम का आपका साइक्लिक सिस्टम बनता है। जैसे अगर देखें आप, तो सभी जीवों का मुख्यतः चार तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये चार तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये तत्व वातावरण के जीवों और जीवों के वातावरण के स्थानांतरण होते रहते हैं। ठीक है, जीव मंडल में विद्यमान ये चक्र क्या होता है? भूगर्मी रासायनिक चक्र के, या पोषक चक्र कहलाते हैं। जब इनका आपस में आपको प्राप्ति होती रहती है एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषक चक्र कहते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर भाई, आपको क्या हो रहा है, आप छोड़ रहे हैं CO2, वो किसको मिल रही है? पौधों को। पौधे उससे क्या कर रहे हैं? अपना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं आप लोग? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक पूरा चक्र चलता है आपके सिस्टम का। ठीक है बच्चों,
आगे बात समझ में, समझ में आया पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है? तो भाई हेमवंती नंदन बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा या मदर टेरेसा? तो भाई यहाँ पे नाम आता है भैया सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के क्या है? प्रेरणा थे, लीडर थे सर आपके। चिपको आंदोलन के प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा थे। वह आंदोलन के बच्चों को काटने के विरोध में 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के प्रारंभ किया था उन्होंने, यानी कि स्टेट कौन सा था आपका? उत्तराखंड। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे और फिर उन पेड़ों को बचाया गया था। इस तरह से पेड़ों की रक्षा की शुरुआत हुई थी और आंदोलन हुआ था उत्तराखंड से। तो बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है अभी खत्म हुए हैं भाई, ध्यान रखना। ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि अभी जो है कौन से आंदोलन के जो आपके लीडर थे खत्म हुए हैं, तो वो ये अभी खत्म हुए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, 22 है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है भाई? तो जो इंसुलिन होता है आपका, उसकी जो केमिकल नेचर होता है वो प्रोटीन होता है बेटा आपका, अमीनो एसिड से प्राप्त होते हैं ये आपके। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या बन जाएगा हमारा? राइट आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा बी इज़ राइट आंसर। इंसुलिन जो है आपको बता दें, उसका जो रासायनिक सूत्र है आपका वो ये रहता है सर आपका, केमिकल जो है वो ये रहेगा। और अग्नाशय यानी पैक्रियास के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की आपकी जो दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, जिसकी रचना आपकी जो है अमीनो अम्ल से बनती है। और ये कुट्टू का आटा जो होता है ना हमारा, उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में बेहद फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ यानी शुगर में कुट्टू का आटा खाने का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके सेवन करने से शरीर का इंसुलिन स्तर जो होता है वो क्या रहता है आपका? सामान्य रहता है। ठीक है, इससे जिससे शुगर कंट्रोल रहती है। ठीक है भाई, अब आता है सर आपका पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो भाई पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कैसे होता है भाई, आपको ये बताना है भाई। सेशन को शेयर करते रहें बेटा, ये ध्यान रखिएगा, सेशन आप लोगों के लिए शेयर और लाइक आपका यहाँ पर रुकनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ सर बहुत से बच्चे अभी सेशन को भाई लाइक या शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है आपका, वो कहाँ होगा बेटा आपका? तो वो होता है आपका ऑप्शन डी, परागकोश में। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए बेटा, इसको पढ़े हम लोग, तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है, जहाँ परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। वास्तव में एक विशेष प्रकार का कोश का विभाजन है ये, जो यूके रिओत प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। अर्धसूत्रण यानी कि युग्मक कोशिकाएँ पैदा होती हैं और सभी जंतुओं तथा भूमि पर रहने वाले पौधे समेत अधिकांश जीवधारियों में युवकों को अंडा कोशिका को शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अच्छा, 2 बजे आपकी क्लास है इंग्लिश की है, ठीक है भाई ले लो, हम कब मना कर रहे हैं, बिल्कुल ले लेना। बस लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जल्दी करा देते हैं। चलो फास्ट, जल्दी जल्दी कराते हैं फास्ट मोड में। जैविक समुदाय में उपभोक्ता कौन से हैं सर आपके? तो भाई यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, यानी कि सी, शाकाहारी जो हैं आपके वो प्राथमिक हमारे क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ज्वर नियंत्रण के लिए आप सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो कौन सी होती है औषधि? तो वो होती है आपकी पैरासीटामोल। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर आपका, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? पैरासीटामोल है। दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीव कौन सा उत्तरदायी होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है आपका सूक्ष्मजीव सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बन जाएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी सर आपका? तो वो की थी आपका लैंड स्टीनर ने, यानी कि मानव रुधिर की वो खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा जो चिकित्सक थे लैंड स्टीनर ने 1901 में की थी, 1901 में। ठीक है सर, नेक्स्ट, प्याज आलू अदरक जो है सर आपके क्या हैं? ये सारे के सारे तने हैं सर, स्टैम्प हैं। देखो क्या है, तने हैं, प्रकंद हल्दी अदरक है, कंद आपका आलू है, सकलंद प्याज है और धनकंद आपका अरवी है। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, ध्यान से समझिएगा, पूछा गया है पर्यावरण के अध्ययन प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, क्लास के रूम के अंदर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए
क्वेश्चनिंग वाला जो पार्ट है वो युक्त किया था, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन देने की जिज्ञासा हो और क्वेश्चन आपका आंसर सही दें आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे देखिए कौन से राज्य का तोरांग का अर्थ जंगल है। तोरांग का अर्थ क्या है? जंगल। तो भाई वो झारखंड है, आसाम है, उड़ीसा है या मिजोरम है? तो बेटा वहां पे आंसर बनेगा आपका क्या? झारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो भाई ये था हमारा सेशन आज का। सारे बच्चे सेशन को भाई ऐसे ही हमारे लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिएगा, और हमारी क्लास आपकी हो गई कंप्लीट आज की। अभी जो सेशन आपका वो देखिए आप, ठीक है? और बेटा ध्यान रखिए सेशन को बेटा शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते क्या करेंगे आप लोग, लाइक करते जाएंगे। जिन बच्चों ने लाइक किया है, लाइक नहीं किया है, Y184 कोड यूज़ कर सकते हैं आप लोग। क्या कर लेने के लिए सर? यूपी टेट का बैच लेना हो, सी टेट का लेना हो, सुपर टेट लेना हो, यूपी TGT लेना हो, संस्कृत का, मैथ का या साइंस का, जो भी आप चाहें वो आप अड्डा 24/7 ए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, share and subscribe our 24/7 channel. Also download our 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe our 24/7 channel. Also download our 24/7 app.